हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे हम टैली की और टैली में जीएसटी बिल बनाने के बारे में कि कैसे हम एक्सेल पर तो आप देख ही चुके हैं कि कैसे हम जीएसटी बिल बनाते हैं, लेकिन अब टैली की बारी है कि टैली में हम कैसे जीएसटी बिल बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। टैली erp-9 ओपन कर लेता हूँ। आपके पास लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए, 6.4.9 या 6. से ऊपर का कोई वर्जन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले कंपनी बनाएंगे हम। अल्ट के साथ F3 प्रेस कीजिएगा और ये विंडो खुल करके आ जाएगी और क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंपनी का नाम, जैसे लिख देता हूँ द शाइन इन इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारे कंपनी का नाम है। ठीक है, यहाँ पर आ गए और एड्रेस की क्या डाल देता हूँ, न्यू कॉलोनी देवरिया DEORIA। ठीक है, यहाँ पिन डाल देता हूँ, कंट्री इंडिया हो जाएगी। स्टेट डालना बड़ा कंपलसरी है तो स्टेट डाल दीजिए। इंटरप्रेस करता हूँ, पिन कोड डाल देता हूँ और उसके बाद अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर, वेबसाइट, फैक्स, ईमेल भी डाल सकते हैं। और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का सेशन होता है तो यहाँ मैं 17 कर देता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि 2016 में जीएसटी लागू की गई थी, उसके पहले का डेट अगर आप ले लेते हैं तो उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 3/2018 कर देता हूँ। ठीक है, इंटरप्रेस करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ और इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। ये हो गया हमारा जीएसटी बिल। ठीक है, ये कंपनी बन गई जीएसटी की, द साइन इन इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब इससे बाहर आते हैं, F11 प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आकर के इसका जो पेरोल है उसको ऑफ कर देता हूँ मैं और एक्सेप्ट करा लेता हूँ इसको। ठीक है, अब बाहर आ जाएंगे इसमें। अब हमें क्या करना है, जीएसटी को इनेबल करना है। कैसे इनेबल होगा, F11 की फिर से प्रेस कीजिए और आ जाइए स्टेटरी एंड टैक्सेशन पर। ओके, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, इस पर यस है, जीएसटी पे यस है। इसके बाद इंटर करिएगा तो इसको भी यस कर दीजिए आप, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। जैसे इंटर करिएगा तो ये बॉक्स खुल के आएगा, इसमें सबसे पहले स्टेट आपको डालना है। रजिस्ट्रेशन टाइप दो प्रकार का होता है, एक कंपोजिशन, एक रेगुलर। हमें फिलहाल रेगुलर ही रखना है। अब जीएसटी वीआईएन क्या होता है, तो ये एक नंबर होता है जीएसटी का, ये आपको डालना होगा। जैसे मैं डाल देता हूँ, मैं अपना आप इसके उस जीएसटी वीआईएन में पैन नंबर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और आगे जो है 2 अंक जो है कोड होता है स्टेट का, समझ में आ रहा है। इसको वेरीफाई करेगा टैली और फिर नीचे आ जाएंगे हम। अब ये कब से एप्लीकेबल करना चाहते हैं, तो हम 1 अप्रैल 2017 से ही एप्लीकेबल करना चाहते हैं। इस पर हमने डाल दिया, इंटरप्रेस किया, मंथली फाइल करेंगे हम, क्वार्टरली नहीं फाइल करेंगे। और एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2017, 1/4/2017 डाल देते हैं यहाँ पे। इंटरप्रेस करते हुए नीचे आएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि लिमिट इनवॉइस वैल्यू दिया हुआ है, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड गुड्स वैल्यू, टैक्सेबल गुड्स वैल्यू, तो हमें टैक्सेबल सेट करना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाएंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर देंगे। तो ये देखिए ये बॉक्स खुल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे पता नहीं क्या भरते हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो जो भी आइटम डालते हैं ना उसका नाम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे मैं डाल देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ प्राइमरी, जो भी डालेंगे आइटम। यहाँ पे मैं आइटम का नाम नहीं डालता हूँ, एक एग्जांपल के लिए यही डाल देता हूँ, प्राइमरी आइटम नंबर 1। ठीक है, ये डाल दिया हमने, इंटरप्रेस किया। अब यहाँ पे HSN कोड डालना होगा हमें। ठीक है, HSN या SSC कोड डालना होगा, तो यहाँ पे हम HSN कोड डाल देते हैं कुछ भी। ठीक है, ये डाल दिया हमने। अब फिर यहाँ पे आके टैक्सेबल करना होगा आपको। ठीक है, अब ये देखिए अगर आप यहाँ पे जीएसटी लगाना चाहते हैं तो यहाँ से भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम राज्य के बाहर माल बेचते हैं तो 5% जीएसटी लगता है। ठीक है, तो ये 2.5% एडजस्ट कर लिया, लेकिन हमको यहाँ कितना लगाना है, 5% नहीं लगाना है, हमें लगाना है 12%। ठीक है, तो ये
6% अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा, और उसके बाद से इसको एक्सेप्ट कराइएगा और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, बस हो गया आपका काम। अब हमें चलना है सेल्स वाउचर में, आइए चलते हैं सेल्स वाउचर में। ये हमारा सेल्स वाउचर, यहाँ पे हमने F8 प्रेस करना है फंक्शन की और ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देंगे, पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी हमेशा सन्ड्री डेटर होता है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे पार्टी का नाम का अकाउंट। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं राम एक पार्टी है, ठीक है, और ये राम जो है सन्ड्री डेटर के अंडर में रखेंगे हम इसे, सन्ड्री डेटर, ठीक है, सन्ड्री क्रिएटर, तो जो बेच रहा है वो हो जाएगा, और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे राम का एड्रेस डाल देंगे, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये डाल दिया हमने न्यू कॉलोनी देवरिया, यूपी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पिन कोड है 274001, यानी उसी राज्य उसी शहर में माल ये बेचा जा रहा है, ठीक है। रेगुलर रखेंगे, जीएसटी वाईएन एक्सेप्ट कराएंगे इसको, बायर राम है, इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें खाते बनाने हैं, यानी लेज़र बनाना है, तो अल्ट के साथ सी दबाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि इन्होंने क्या खरीदा, शुगर खरीद रहे हैं ये, ठीक है, SUGAR शुगर, ठीक है, इंटरप्रेस करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आता हूँ तो शुगर प्राइमरी आइटम के अंतर्गत आएगा, और लिस्ट ऑफ कैटेगरीज को अगर आप डालना चाहते हैं तो शुगर किस में आता है, ये किराना स्टोर का सामान है, तो ग्रोसरी कर देते हैं, ठीक है, इंटरप्रेस करता हूँ, और प्राइमरी में इसको रखेंगे, और यूनिट अल्ट सी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये आ जाएगा बॉक्स, और यहाँ पे यूनिट जो है किलोग्राम है, KGS कर देता हूँ मैं, इंटर करूँगा नीचे तो किलोग्राम लिख दूंगा यहाँ पे, किलो ग्राम, यहाँ पे देखिए कोड के लिए कॉलम दिया हुआ है, तो K दबाइएगा आप तो इसमें किलोग्राम वाला कोड आ जाएगा, तो इस पर क्लिक करके इंटर कर दीजिए, और यहाँ डेसिमल 0.3 कर देता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट करा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आऊँगा तो यहाँ पे अगर आप GST अल्टर डिटेल करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, ठीक है, और फिर वही आपको क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह देनी होगी, ठीक है, स्टॉक नेम देना होगा, क्लासिफिकेशन जो भी आपको करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक डेमो दे के दिखाता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डाल देता हूँ, प्राइमरी आइटम PRIMARY प्राइमरी आइटम 1, ठीक है, और HSN कोड जो भी है इसका, ठीक है। अब ये ऑन वैल्यू होगा या आइटम रेट के हिसाब से होगा, तो मैं इसे आइटम रेट के हिसाब से करूंगा, तो ये बॉक्स आ जाता है, ठीक है। मैं आपको आइटम कंसीडर एडिशनल एक्सपेंस इनकम स्लैब ये बन के आ रहा है। अब इसमें आप ग्रेटर देन या लेस देन के हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है, अप टू कितने पर टैक्स लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑन वैल्यू पे आता हूँ, इसको हम अगले वीडियो में समझेंगे, और यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे, हम टैक्सेबल करेंगे और यहाँ पे 12% लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, और गुड्स के ऊपर लगाना है, सर्विस के ऊपर नहीं लगाना, तो ये हो गया। अब हमें गोडाउन देना है, तो जैसे इसमें गोडाउन पहले से बना नहीं हुआ है तो हम बनाएंगे, तो अल्ट सी करेंगे तो ये गोडाउन वाला बॉक्स खुल के आ जाएगा, देवरिया गोडाउन, ये बनेगा अंडर मेन लोकेशन, ठीक है, न्यू कॉलोनी देवरिया, न्यू कॉलोनी देवरिया, ये डाल दिया हमने 274001, ठीक है। देखिए अंडर मेन लोकेशन रखेंगे इसको, ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया। अब देखिए देवरिया में कितना 500 किलो, अब ये देखिए नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव स्टॉक, इसको हम बाद में समझेंगे कि ये नेगेटिव स्टॉक होता क्या है, ठीक है। रेट जो है 44 रुपये किलो के हिसाब से मैंने कर दिया, ठीक है। अब देवरिया गोडाउन तो हमने बना दिया, अब दूसरा गोडाउन क्या बनाएंगे, जैसे हम बना देते हैं देवरिया में ही, देवरिया में ही बना देंगे, सॉरी ये देवरिया में नहीं बनेगा,
अब चूंकि देवरिया बन चुका है तो इसको दोबारा नहीं बनाना है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं राघव नगर, ठीक है। और ये सारे देवरिया के अंडर में जाएंगे, यहाँ लिखता हूँ राघव नगर। ये कई हमारे गोडाउन होंगे एक ही शहर में, तो उनके लिए ये बता रहा हूँ मैं, डी ई ओ आर आई ए, ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया, नीचे आ जाइए। अब इसको अंडर देवरिया के लोकेशन में बनाइए, ठीक है, एक्सेप्ट कराइए। अब यहाँ पर कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ मैं, ठीक है, ये कर देता हूँ, नेगेटिव स्टॉक को अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए आप, ये हो गया, ठीक है। क्वांटिटी यहाँ पर आ गई है, ठीक है, शुगर की, और यहाँ पर्टिकुलर के लिए लेज़र मांग रहा है, तो हम सेल्स वाउचर में हैं तो एस ए एल ई एस सेल्स का लेज़र बना लेंगे, अंडर सेल्स वाउचर इसको रखेंगे सेल्स अकाउंट, ठीक है। और ये टाइप ऑफ लेज़र जो है इसको हम नॉट एप्लीकेबल ही रहने देते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आएंगे तो अभी तो सिर्फ शुगर का ही बनाया है हमने, अब यहाँ पे बनाते हैं पल्स, पी यू एल एस ई पल्स, इसको भी प्राइमरी रखेंगे और अंडर ग्रोसरी ही करेंगे, क्योंकि पल्स भी तो ग्रोसरी ही होता है, ठीक है। अंडर किस गोडाउन, देवरिया गोडाउन में 700 किलोग्राम नेगेटिव स्टॉक, अभी अवॉइड कीजिए, इसको हम समझेंगे कि ये नेगेटिव स्टॉक क्यों आता है, 65 रुपये किलो के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब राघवनगर, तो राघवनगर वाले में भी 600 किलोग्राम रखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया हमारा। दो सामानों का बिल हम आपको बना करके दिखाने वाले हैं इन्हीं का, ठीक है। अभी लेकिन एक चीज और ध्यान देना है, इस पर हमने अभी तक जीएसटी लगाया नहीं है, तो जीएसटी कैसे लगाएंगे, यहां लिखता हूं मैं सीजीएसटी, और ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, जीएसटी, ये सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स होता है। यहाँ पर आप परसेंटेज दे सकते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ। नीचे आएंगे, नॉर्मल राउंडिंग कर देंगे इसको और लिमिट 2 कर देंगे, एक्सेप्ट कराइए इसको। अब ये देखिए, ये अपने आप जो है उसके हिसाब से जो हमने दिया था 12%, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ सीजीएसटी कैलकुलेट होकर आ रहा है, ठीक है। अब सीजीएसटी तो हो गया हमारा, एस जी एस टी कैलकुलेट करते हैं, तो एस जी एस टी का लेजर ही नहीं बना है, तो एस जी एस टी करते हैं, ठीक है, यहाँ जी एस टी कर देंगे और यहाँ कर देंगे स्टेट टैक्स, ठीक है। ये राउंडिंग मेथड इसको हम नॉर्मल रखेंगे, इसको 2 रखेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ करके ये देखिए, ठीक है, 26,000 रुपये टैक्स लग के आया हुआ है, ठीक है। कुल मिला के कितना ये बिका है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि अब इस समय आपको, आप ये चाहते हैं कि हम एक अपना स्टॉक और बढ़ाएंगे, इसमें एक जगह और मतलब गोडाउन बनाना चाहते हैं, तो अल्ट सी करके गोडाउन बना लीजिए, और जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ भीखमपुर रोड, ये लिख दिया हमने, और इसको लिखने के बाद नीचे आ जाइए, डी ई ओ आर आई ए, ये लिख देंगे, और ये भी देवरिया के अंडर में रखेंगे, ये हो गया 8000 किलोग्राम स्टॉक रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पर आएंगे तो एक और बना देता हूँ मैं, अ
Alt C करिए रोड, तो इसमें आपने गोडाउन बनाना भी सीख रहे हैं। यहाँ पे एड्रेस दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 8700, ठीक है। तो ये हमने लगा दिया है, अब यहाँ पे अल्ट सी करके हम लेजर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ऑल आउट लिक्विड है, ऑल आउट लिक्विड QUID, ठीक है, इंटर प्रेस करता हूँ, प्राइमरी के अंडर में रख देंगे, और ये जो है कैटेगरी क्या देंगे इसको, अल्ट सी करके कैटेगरी दे देते हैं, मॉस्क्यूटो रिलेटेड, ठीक है, ये लिख दिया हमने मॉस्क्यूटो रिलेटेड कर देंगे, रिलेटेड, ठीक है, इंटरप्रेस करेंगे, और यहाँ पर जो है इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, और ये जो है पीसेस के हिसाब से पीसेज, ठीक है, फॉर्मल नेम क्या देंगे, PIECES, ठीक है, पीसेज दे दिया हमने, पीसेज, ठीक है, या पैक्स कर सकते हैं, पीसेज कर देता हूं मैं, और डेसिमल प्लेस 0 रहेगा, ये यहाँ पे गुड्स एक्सेप्ट करा लीजिए इसको। अब ये किस गोडाउन में डालना चाहते हैं, यहाँ पे डाल दिया हमने नेगेटिव स्टॉक, अभी आपको अवॉइड ही करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मैंने बताया नहीं कि इसको कैसे हटाना है, तो ये बन गया हमारा, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसमें कुल मिलाकर के 69,95,200 रुपीज़ है इसमें, और इसको अब हम सेव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, इसको नो ही रहने देते हैं, और यहाँ पे नरेशन दे सकते हैं, द गुड्स हैव बीन सोल्ड, SOLD, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब चूंकि ये हमने बनाया था द शाइन इन, तो इसको कहाँ जाके देखेंगे, डिस्प्ले में जाइएगा और द शाइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट डे बुक में आपको मिल जाएगा, मेरे ख्याल से यही है, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाना है तो अल्ट के साथ P दबाइए आप, पर ये देखिए ये आपका बिल जो है तैयार होकर यहाँ आ चुका है, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम बिल क्रिएट कर सकते हैं GST का, ठीक है। सेम स्टेट में अगर हम सामान बेच रहे हैं, तो ये तो एक डेमो भर था आपके लिए कि किस प्रकार से हम, ठीक है, हालांकि इसके आगे भी वीडियोस मैं आपको बनाकर दिखाता रहूंगा कि किस किस प्रकार से ये GST का बिल बनाया जाता है, टैली में और एक्सेल में दोनों में आपको दिखाऊंगा। अब आइए एक चीज़ और देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम एक्सेल में एक साथ कई फॉर्मूलों को यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, यही बिल आपको एक्सेल में बनाना होगा तो थोड़ी दिक्कत आएगी, ये यहाँ पे तो सारा बना बनाया फॉर्मेट आपको मिल जाएगा लेकिन वहाँ दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं एक पुराने रिकॉर्ड को ओपन करना चाहूँगा, देखता हूँ है या नहीं, ये देखिए ये भी एक GST बिल इस पे बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं इसमें आपको मेहनत कितनी ज़्यादा करनी पड़ती है, सब कुछ आपको खुद ही बनाना पड़ता है एक्सेल में, लेकिन टैली में जो है आपको बना बनाया सारा फॉर्मेट मिलता है, बस आपको एंट्री करना आना चाहिए,
चलिए आइए जानते हैं एक साथ कई फॉर्मूले हम कैसे लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट, ठीक है, और यहाँ नाम लिखता हूँ राम, श्याम, यहाँ पे कोई और नाम एस ए सी एच आई एन सचिन, रमेश, उमेश, ठीक है ये। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर दूंगा इनका टोटल या ऑब्टेंड कर देता हूँ ओ बी टी ए आई एन ई डी, ठीक है ऑब्टेंड कर दिया हमने। और ये कैपिटल कर देता हूँ यहाँ पे भी से, ठीक है, और श्याम, ठीक है एस कैपिटल रखिए इसको। और यहाँ पे सब्जेक्ट के नाम, ठीक है सब्जेक्ट के नाम जैसे हिंदी, इंग्लिश, बायो बी आई ओ, इसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स पी एच वाई एस आई सी एस, ठीक है ये इतने तीन दो पांच सब्जेक्ट हो गए हमारे। अब इसको थोड़ा कॉलम को चौड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। अब इसमें नंबर हमें लेके आने हैं और ऑब्टेंड यहाँ पर न लिख करके यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल टी ओ टी ए एल, ठीक है, और थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, चूंकि हमें सिर्फ नंबर लेके आने हैं तो मैं यहाँ एक फार्मूले के थ्रू नंबर लेके आ जाऊँगा, ये फार्मूला है वो। और यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है बॉटम, तो बॉटम सबसे छोटा नंबर और टॉप माने सबसे बड़ा नंबर, इंटर कर दीजिए, इन्हीं में से इन्हीं दोनों के बीच का एक नंबर यहाँ आ जाएगा। अब इसको यहाँ से आपको ड्रैग भर करना है, ठीक है, जहाँ तक चाहिए वहाँ तक ड्रैग कर दीजिए, सारे नंबर आ जाएंगे। इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि ये बार बार चेंज हो जाएगा, पेस्ट स्पेशल पे जाइए और यहाँ पे ओके कर दीजिए, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे टोटल कितना कितने मार्क्स का है पेपर, तो 100 मार्क्स का है, ठीक है, तो ये 100 मार्क्स हो गए। अब इसको आप यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल डी कर दीजिए, इसको ऐसे ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इनको हमको ऐड करना है, ठीक है, इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑप्टेंड ओ बी टी ए आई एन ई डी, ऑप्टेंड लिख दिया, इज इक्वल टू का निशान बनाएंगे और इन सबको सम का फॉर्मूला लगा करके जोड़ देंगे। यहाँ से पकड़िए और बंद करिए, इंटरप्रेस करिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब ये हरा हरा निशान क्यों आ रहा है, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जब हमने ये लगाया था 100 तो इज इक्वल टू का निशान नहीं बनाया था, चूंकि सब सब फार्मूले पे हो रहा है तो यहाँ इज इक्वल टू का निशान बना करके हमें इसको लिखना चाहिए था। एक्सेल में कोई भी फार्मूला इज इक्वल टू के ही निशान से शुरू होता है, तो ये हमने कर लिया। अब जैसे मान लीजिए कि ये तो छोटा रिकॉर्ड है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड होते हैं उसमें हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें ये पता करना है कि बायो का, बायो में वोमेश के कितने नंबर थे, तो कैसे पता करेंगे, यहाँ लिख दीजिए वोमेश भी ओ एम ई एस एच, ठीक है, और किस में चाहिए आपको नंबर, बायो में बी आई ओ बायो लिख दीजिए, ठीक है, और इज इक्वल टू का निशान बनाइए और यहाँ पे लिखिए जैसे फॉर्मूला लगाइए वी लुकअप, वी लुकअप लगाने। अब क्या करना है, कह रहा है लुकअप वैल्यू, किसको खोजना चाहते हैं, तो हम बायो को खोजना चाहते हैं, साइड से ही वी लुकअप काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो कॉमा देंगे इसके बाद, चूंकि सिंटेक्स में कॉमा है। उसके बाद टेबल एरे कह रहा है, तो टेबल एरे हमारा ये है, इसको पूरा हमने सेलेक्ट किया है, फोर दबाया, कॉमा दिया, मैच लगाएंगे, मैच का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो मैच का फॉर्मूला लगा दिया और लुकअप वैल्यू इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे
सेलेक्ट करेंगे, F4 दबाएंगे, कॉमा देंगे, ज़ीरो देंगे, ज़ीरो एग्जैक्ट मैच के लिए देते हैं, कॉमा देंगे, और फिर वी लुकअप का जो छोटा हुआ फॉर्मूला है फॉल्स जो है एग्जैक्ट मैच होता है जिसके लिए जीरो देते हैं, इंटरफेस करेंगे तो ये हमारा वो मेस का नंबर आ गया है। आप देख सकते हैं वो मेस का नंबर 73 है। आइए चेक कर लेते हैं कि वो मेस का बायो में कितना नंबर है। ये बायो है, वो मेस वाला कॉलम यहाँ है तो 73 नंबर। अब देखिएगा जादू, यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, बायो में नहीं देखना, किस में देखना है, फिजिक्स में देखना, PHYSICS। जैसे ही इंटरप्रेस करूँगा, ओहो 40 नंबर है फिजिक्स में वो मेश के। देखता हूँ ये वो मेश कहाँ है, ये है, और वो मेश के फिजिक्स में कितने हैं, 40 मार्क्स हैं। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे मान लीजिए आपको वो मेश का नहीं देखना, हटाइए वो मेश का नहीं देखना, हमें राम का देखना, RAM लिखा, इंटरप्रेस किया तो राम के 48 नंबर हैं फिजिक्स में। देखता हूँ ये देखिए 48 नंबर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको ऑप्टेंड देखना है तो OBTAINED, इंटरप्रेस किया तो ये ऑप्टेंड मार्क्स 217, ठीक है। ऑप्टेंड मार्क्स कितने आ गए, 217 किसके हैं, 217 किसके हैं, 217 हैं, ये देखिए ऑप्टेंड मार्क्स देख रहे हैं। एक्चुअली मैं इसको नीचे लगाना चाहिए था, हमने इधर लगा दिया है, कोई बात नहीं, इसको उठाएंगे यहाँ से, इसको कट करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसे आ रहा है, एक काम करते हैं इसको डिलीट ही कर देते हैं, यहाँ पे ऑप्टेन लिख देते हैं, OBTAINED, ठीक है, ऑप्टेन लिख दिया, ये कैपिटल कर देना है, ठीक है। इज इक्वल टू का निशान बनाइए, इज इक्वल टू सम, ठीक है, सम किसको किसको करना है, यहाँ से ये राम के सारे सब्जेक्ट का नंबर का सम आ जाएगा, तो ये और यहाँ से पकड़ लीजिए, इसको यहाँ तक कर दीजिए ड्रैग, ठीक है, तो ये सबका सम आ गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर कोई भी चीज निकालनी है तो यहाँ से निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से, इज इक्वल टू का निशान बनाइए, वी लुकअप लगाइए, लगाया हमने, ठीक है। अब हमको ऑप्टेंड निकालना है, तो ऑप्टेंड यहाँ पे है, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा, अब क्या करना है, टेबल एरे, तो टेबल एरे हमारा ये है, इसको पूरा सेलेक्ट कीजिए, आप F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए, मैच लगाइए, मैच लगा दिया हमने, इसके बाद लुकअप वैल्यू, फिजिक्स पता करना है नंबर, फिजिक्स नहीं पता करना है, इसको हटाना होगा। जैसे मान लीजिए हमें क्या पता करना है, श्याम का नंबर पता करना है या कुछ ऐसा लिखना होगा, तो पहले ही हमें लिख के रखना होगा। चलिए मान लीजिए यहाँ से मैं सर ले लेता हूँ, D1 ले लिया, कॉमा, अब क्या करना है, ये जो हमने सेलेक्ट किया है सचिन का नाम, वो कहाँ मिलेगा हमें, वो मिलेगा यहाँ, यही तो मिलेगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए आप, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इंटर जैसे ही प्रेस कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ 35 नंबर ऑप्टेन मार्क्स हैं सचिन के, आप देख सकते हैं, देख लीजिए आप, सचिन 35 नंबर, ठीक है, ये 35 नंबर हैं, लेकिन चूंकि फिजिक्स था तो फिजिक्स में 35 हैं या नहीं ये देखना होगा, फिजिक्स में तो 31 दिखा रहा है। चलिए एक बार और इसको देखते हैं, इसको हटाते हैं हम और फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे यहाँ लिख देता हूँ PHYSICS और यहाँ पे लिख देता हूँ श्याम या रमेश, RAMESH, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू वी लुकअप, यह गया, ठीक है। लुकअप वैल्यू किसको लुकअप कर रहे हैं, तो साइड से ही लुकअप करना होता है, ठीक है, तो फिजिक्स को लुकअप कर रहे हैं, कॉमा देंगे और ये पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर जाइए, F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए और मैच लगाइए, और अब रमेश को खोजना है, रमेश का नंबर देखना है, ठीक है, फिजिक्स का, और फिजिक्स का नंबर रमेश का कहाँ मिलेगा, ठीक है, रमेश का फिजिक्स का नंबर कहाँ मिलेगा, तो इसी कॉलम में मिलेगा, ओके, है ना। F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए, ज़ीरो दीजिए, बंद कीजिए इसको, कॉमा दीजिए, ज़ीरो दीजिए, बंद कीजिए, इंटर करिए। ये NA आ रहा है, NA क्यों आ रहा है, एक बार फिर से देखते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, ये वी लुकअप दे दिया हमने। अब हमें फिजिक्स का नंबर देखना है, ठीक है, साइड से ही लेते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स इसमें दिया हुआ है, जी हाँ दिया हुआ है,
physics कॉमा देंगे, उसके बाद टेबल एरे दे रहा है तो टेबल एरे हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेलेक्ट कर लिया हमने टेबल एरे, F4 दबा के फिक्स करेंगे, कॉमा देंगे। और इसके बाद जो है अब यहाँ पर देखिए, अब हमें मैच का फॉर्मूला लगाना है। मैच लगा दिया हमने, मैच लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, मैच ये कह रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमें किसको खोजना है, रमेश का नंबर खोजना है। रमेश है इसमें, यहाँ पे है, तो इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए। अब रमेश कहाँ मिलेगा हमें, रमेश यहाँ कहीं मिलेगा हमें, ठीक है, ये ले लिया हमने। और F4 दबा के फिक्स कीजिए, कॉमा दीजिए, जीरो दीजिए, कॉमा दीजिए, जीरो दीजिए, बंद कीजिए, एंटर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए रमेश का फिजिक्स में 34 नंबर आया है। चलिए देखते हैं 34 नंबर आया है या नहीं। ये देखिए ये रमेश वाला कॉलम है और फिजिक्स में रमेश के कितने मार्क्स हैं, 34, एकदम सही है। अब मान लीजिए कि फिजिक्स में नंबर नहीं देखने हैं, ऑप्टेंड मार्क्स देखना है, OBTAINED ऑप्टेंड मार्क्स देखना है। तो ये ऑप्टेंड 180 है रमेश का, देखिए रमेश है 180 मार्क्स आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। और अब हम क्या करने वाले हैं, जैसे ये फॉर्मूला तो हमने लगाया है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा एंड या एम परसेंट का साइन बनाऊँगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमें इसमें एक और फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और वो फॉर्मूला कोई भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको सम का ही फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, तो यहाँ लिखिए SUM, ठीक है, आपको किसको सम कराना है। जैसे मान लीजिए राम के नंबर को सम कराना है, तो यहाँ से यहाँ तक पकड़ लीजिए, बस इसको बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो ये देखिए राम के नंबर का सम भी आ गया है इसमें। राम के नंबर का सम कितना है, 239, देखिए ये 239 दिख रहा है आपको, इसमें जुड़ कर आ रहा है। अब देखिए एक और फार्मूला मैं लगाता हूँ, इसमें एम परसेंट लगाया हमने, एम परसेंट से आप किसी भी फॉर्मूले को जोड़ सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे काउंट इफ, COUNTIF, ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब हमको ये पता करना है कि कौन कितने विषय में फेल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक राम का हम सेलेक्ट करते हैं, राम का पता करते हैं, ठीक है, बाकी तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये ले लिया हमने और कॉमा देंगे और कहेंगे, ठीक है, ये कहेंगे, ठीक है, डबल इंटेड कॉमा में इसे लिखना है 32, ठीक है। अब इसको एंटर अगर मैं करता हूँ तो यहाँ क्या आता है, इसको जैसे ही मैंने एंटर किया तो क्या आया, यहाँ पे आया है 4। ये 4 सब्जेक्ट में पास हैं, देखिए गिनिए 1, 2, 3 और ये 4, एक सब्जेक्ट में ये फेल हैं, यानी हमने ये भी निकाल लिया। अब हम पास वाला क्राइटेरिया देखते हैं, पास वाला कैसे, पास वाला तो निकाल लिया, फेल वाला कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंड, ठीक है, COUNTIF, ठीक है, काउंट इफ लगाया हमने और काउंट इफ लगा करके रेंज सेलेक्ट करनी है। तो अब इन्हीं का मैं रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हो गया, ठीक है। कितने सब्जेक्ट में ये पास हैं कैसे पता चलेगा, कॉमा लगाएंगे, फेल है कैसे पता चलेगा, कॉमा लगाएंगे। 33 से अगर कम होगा इनका नंबर तो ये जाहिर सी बात है कि ये फेल होंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे कर देते हैं और यहाँ 33 कर देते हैं और इसको ये, बस अब आपको एंटर करना है। तो ये एक सब्जेक्ट में फेल है, यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है एक सब्जेक्ट में ये फेल है, समझ में आ रहा है आपको, एक सब्जेक्ट में फेल है, ये लास्ट में एक दे रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये लगाया ना इसके बाद एक गैप दे देंगे, इंटरप्रेस करता हूँ, तब भी देखिए वही स्थिति है, गैपिंग नहीं आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये एक साथ फॉर्मूला लगाने वाली बात समझ में आई होगी। और टैली किस प्रकार से अलग है और किस प्रकार से एक जैसा ही बिहेव करता है एक्सेल के जैसा, ये भी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।